होगा या दोनों भी आप रख सकते हैं। उससे जो नेक्स्ट सटे है वो है जिला, और ये मैंडेटरी है। हर सूबे के अंदर आपने जिले के लेवल के ऊपर तंजीम बनानी है, ये मैंडेटरी चीज है। उसके बाद जो अगला लेवल है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। इसमें तीन चॉइसेस आपके पास मौजूद होंगी, या आप जिले के नीचे तहसील की सतह पे बनाएंगे, या आप टाउन की सतह पे बनाएंगे। बड़े शहर जैसे हैं, कराची में ऑलरेडी टाउन की बुनियाद पे उन्होंने बनाया हुआ है, लाहौर वाले भी टाउन की बुनियाद पे बनाना चाहते हैं। तो बड़े मेट्रोपॉलिटन एरिया जहाँ पे टाउन्स हैं, तो आप तहसील के बजाय टाउन्स बना सकते हैं वहाँ पर, या आप प्रोविंशियल असेंबली की बुनियाद के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूंसी की बुनियाद के ऊपर स्ट्रक्चर बनाएंगे। और अगेन इसमें बड़ी डिबेट है, मुख्तलिफ राय। हमने कहा कि आप इन तीन में से कोई एक जरूर बनाएंगे, आपकी चॉइस तहसील है, आप तहसील बनाएंगे। दूसरे कुछ लोग हैं जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, पंजाब के अंदर उन्होंने फैसला किया था वो प्रोविंशियल। हम चाहते हैं कि एक इस लेवल का स्ट्रक्चर, ये तीसरा लेवल अब आ गया सूबे के अंदर, सूबा फिर रीजन हो गया, फिर उसके बाद जिला आ गया, और उसके बाद ये तीसरी सतह आ गई। उसके नीचे की, और ये बहुत अहम है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बाद में बात करूंगा, यूनियन काउंसिल की सतह मैंडेटरी है, आपने हर सूरत में बनानी है। वार्ड लेवल आपने हर सूरत में बनानी है, और आपने ब्लॉक कोड लेवल जो है वो हर सूरत में बनानी है। ये तीनों जो सतहें हैं इस लेवल के ऊपर, मैं जैसे मैंने कहा कि मैं इस पे आखिर में सिर्फ इसके ऊपर बात करूंगा थोड़ी सी तफसील के ऊपर। सेम थिंग ना, वो तो एक ही चीज़ है। उसको वो जो आपने वहां पर पहले दो मुख्तलिफ नाम थे, नेबरहुड काउंसिल और वो एक